पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील किया था उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला एक चीज हमने पढ़ी थी जिसको हम तब यूज कर लेते हैं जब फैक्टर्स आसानी से नहीं बनते, जब आसानी से फैक्टर नहीं बनते हैं तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा? x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac whole upon 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है b square minus 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब कई बार क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये माइनस हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। जब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तब हम रूट्स नहीं निकालते और ये बोल के छोड़ देते हैं वहां पे कि रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स आर नॉट रियल। अब जहां पर हमें वो छोड़ना नहीं है, अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर रूट में क्वांटिटी निगेटिव हो जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अब हमें जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं अगर रूट में क्वांटिटी निगेटिव आ रही है तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसके रूट्स निकाल के आपको देने हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने पर आपको आंसर्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में देना और किस प्रकार से सीखना है वो चीज यहाँ पे बताई गई है, समझाई गई है। ठीक है, उसमें जैसे एग्जाम्पल 9 बोल रहे हैं, the equation is x square plus 2 is equal to 0. Find the roots of this equation. ये मांग रहा है। अब इसके roots कैसे निकालेंगे? roots निकालने का तरीका है कि हम x square को इधर लिखेंगे is equal to minus 2 और x is equal to plus minus under the root minus 2. स्क्वायर को उधर ले गए तो स्क्वायर जब भी हम उधर ले जाते हैं प्लस माइनस अपनी तरफ से लगा हो गया प्लस माइनस। अब इसको कैसे लिखेंगे? रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 2। और रूट ऑफ माइनस 1 क्या क्वांटिटी होती है? रूट ऑफ माइनस 1 हमेशा क्या होता है बेटा? आयोटा। तो दिस इज प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट 2। ये दो वैल्यू आ गई, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। These are the solutions of this quadratic equation. अब आपको रिजेक्ट नहीं करना है, हम इस पॉइंट पे आते रिजेक्ट कर देते थे, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। अगर आपको प्रॉपर पूरी वैल्यू निकाल के देनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, आपको आंसर देने हैं।